अच्छा, दिस क्लास इज अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ P2। उसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि P2 जो हमसे टेस्ट होता है वो उसके उसमें मार्क्स कितने होते हैं, डिवीजन कितनी होती है और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन टेस्ट होते हैं। ये एक P2 आई हैव ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज मई जून 2023 और उसका जो वेरियंट है वो B3 है हमारे पास। तो ये पेपर है, इस पर ज़रा थोड़ी सी हम बात करेंगे। इस पेपर का नाम है बिजनेस कॉन्सेप्ट्स 2। पेपर वन का नाम है बिजनेस कॉन्सेप्ट्स 1 और इस पेपर का नाम है बिजनेस कॉन्सेप्ट्स 2। इस पेपर में टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन हमसे टेस्ट होते हैं, जो कि दो केस स्टडीज पे बेस्ड होते हैं। एक केस स्टडी मिलेगी, उसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और एक और केस स्टडी आपको मिलेगी जिसमें और 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो दैट इज 30 × 2, इस तरह से 60। तो दो केस स्टडीज आपको मिलेंगी। इस पेपर में जो टाइम एलोकेशन है हमारे पास वो 1 और 30 मिनट है। इसमें थोड़ा सा बच्चे सफ़र करते हैं क्योंकि अब दो केस स्टडीज हैं, 60 मार्क्स हैं, लिखने में टाइम तो लग जाता है। तो ये 1 और 30 मिनट्स हैं, तो इसलिए क्विकली आपको मैनेज करना चाहिए कि शुरू से ही आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको इस तरह डिवाइड करें कि आप केस स्टडी 1 भी 45 मिनट्स में कर लें और जो केस स्टडी 2 है वो भी 45 मिनट्स में कर लें। तो इस तरह 90 मिनट्स में फिर आपका पेपर ये कंप्लीट हो सकता है। इफ़ यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन केस स्टडी 1, जो कि यूजली बच्चे ऐसा ही करते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर लिखने की कोशिश करते हैं, तो फिर कम टाइम उनके लिए बचता है केस स्टडी 2 के लिए। पेपर पूरा करने की एफर्ट लाजमी हमें करनी चाहिए। इस तरह एक केस स्टडी हमें गिवन होती है, हमने करना ही होता है कि केस स्टडी पढ़ के जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन हम कर लेते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं FM इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ये हम नोट कर लेंगे, फिर ये हमारे काम आएगा जब हम एप्लीकेशंस बार बार कर रहे होंगे। और ये कंट्री Z में स्टेब्लिश है, इसको भी यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि ये मैन्युफैक्चरर है, सेकेंडरी सेक्टर से बिलोंग करता है, इसको भी हम नोट कर लेंगे। और रेंज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है, इसको भी हम नोट कर लेंगे। उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी, गिटार्स, कीबोर्ड्स, इनको भी हम नोट कर लें। और ये भी हमें पता चल गया कि ये बिजनेस जो है वो कंज्यूमर मार्केट में एग्जिस्ट करता है, B2C बिजनेस है, बिजनेस टू कंज्यूमर ये चलता है। अच्छा जी, FM जो है वो उसके पास जो प्रोडक्शन टेक्निक है वो बैच प्रोडक्शन है, वो उसमें चीज़ें बनाता है टू प्रोड्यूस इट्स रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। हमें बैच प्रोडक्शन का पता है, हमने अपने सिलेबस में पढ़ रखा है, इसको हम यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन अब वो ये कर रहा है कि वो मैस कस्टमाइजेशन पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो जाए, तो इसको भी हम यूज़ कर लेंगे जब हम अपने आंसर्स लिखने होंगे। अच्छा जी, FM कस्टमर्स आर ऑल इन कंट्री Z, इसका मतलब है कि उसी कंट्री के साथ वो है, ऑपरेट करता है, इंक्लूड उसमें जो म्यूजिशियंस भी उसका यूज़ करते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जो कि सीखने के लिए आते हैं वो भी यूज़ करते हैं। उसके अपने चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स हैं जहाँ पे वो अपनी चीज़ें बेचता है और मार्केटिंग मिक्स उसका बहुत सक्सेसफुल है, जिसने उसकी सेल्स जो है वो 45% बढ़ाई है लास्ट 2 ईयर्स में, तो इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। द चेंज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द इंक्रीज इन द सेल्स हैव पुट प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयज टू मेंटेन क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ प्रोडक्शन। अब जाहिर है ये थोड़ी डीमोटिवेशन से रिलेटेड बात होगी लाजमी तौर पर, जो उसने ये लिखा है, तो प्रेशर आ गया है थोड़ा सा एम्प्लॉयज़ के ऊपर और वो क्वालिटी में थोड़ा सफ़र कर रहे हैं और स्पीड में भी। उसके 108 एम्प्लॉयज़ हैं। दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ कंसर्न अबाउट दी हाई लेबर टर्नओवर, ये भी उसने बता दिया कि लेबर टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा है। और उसने Table 1 प्रोड्यूस किया है, उसने बताया है कि क्यों लोग क्यों छोड़ के जाते हैं, तो वहाँ से हमें रीजंस पता चल जाएंगे। उनको बेटर जॉब मिल जाती है, कंपेटिटर ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डीमोटिवेशन जहाँ भी सवाल करेंगे उसको यूज़ कर लेंगे। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए काफ़ी कम हैं, इसलिए भी छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो म्यूजिशन जो बनाते हैं चीज़ें बस वो उसी तरह से रहते होंगे, उनको कोई इंक्रीमेंट्स और वो नहीं मिलती होंगी बहुत ज़्यादा प्रमोशंस। ये कम है ज़रा, सबसे अनएम्प्लॉय जो के वर्किंग एनवायरनमेंट से तंग हैं लोग, और रिटायरमेंट वाले काफ़ी ज़्यादा हैं, वो भी छोड़ जाते हैं। FM डायरेक्टर्स वुड लाइक टू ग्रो द बिजनेस एंड प्लान देयर इंटरनेशनल मार्केट। अब वो ये चाह रहे हैं कि लोग भी खुश हो जाएं और इंटरनेशनल मार्केट में भी वो चले जाएं और वो ग्रो भी उनकी हो जाए, ये सारी चीज़ें वो ये सोच रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्रांड को इतना वेल नोन नहीं है कंट्री Z के अलावा, उनको कहीं और कम लोग जानते हैं। वहाँ पे जो दूसरे कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत स्टेब्लिश्ड सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिजनेसेस हैं,
तो अब एफएम को क्या करना है कि अपनी सप्लाई चेन डेवलप करनी है और अपना जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करनी है, ये सारे काम उसको करने हैं। अब जो क्वेश्चन हमसे टेस्ट होते हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है आइडेंटिफाई वन एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। तो जब हमसे ये सवाल आए कि एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स लिखना है, तो बस हमने सिर्फ उसका नाम लिखना है, जैसा कि हम यहाँ पे लिख दें प्राइसिंग। तो कोई सेंटेंस लिखे बगैर सिर्फ एक लफ्ज प्राइसिंग लिखने से हमें हमारा एक नंबर मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट हमने इसमें पुट नहीं करनी, बस वो एक नंबर के लिए ही हमने उसको लिखना है। एक्सप्लेन द टर्म कंज्यूमर मार्केट, ये 3 नंबर का सवाल है। इस 3 नंबर के सवाल में 1 मार्क फॉर नॉलेज है और 2 मार्क्स फॉर द एप्लीकेशन है। इसका मतलब ये है कि हमें इसमें केस स्टडी से रेफर करना होगा 2 नंबर के लिए। अब अगर आप कंज्यूमर मार्केट की डेफिनेशन लिखें सिंपली, कंज्यूमर मार्केट इज द मार्केट इन विच प्रोडक्ट्स आर सोल्ड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, तो फिर इसका एक ही नंबर मिलेगा। जैसा कि लेकिन फॉर एग्जांपल ये जो बिजनेस है एफएम दैट इज ऑपरेटिंग इन कंज्यूमर मार्केट एंड सेलिंग इट्स कीबोर्ड्स गिटार्स टू कंज्यूमर्स डायरेक्टली थ्रू इट्स ओन रिटेल स्टोर्स, तो ये जो हमने आखिरी बात की है कि वो कीबोर्ड्स और गिटार्स बेच रहा है थ्रू इट्स ओन रिटेल स्टोर, तो हमने केस स्टडी से इसको रिलेट कर दिया, फिर हमें रेस्ट ऑफ द 2 मार्क्स भी मिल सकेंगे और फिर हम पूरे 3 नंबर जो है वो स्कोर कर लेंगे। अगला सवाल जो है वो कैलकुलेशन का है। रेफर टू टेबल 1.1 एंड अदर इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट फॉर 2022। बहुत सिंपल सा ये सवाल होता है, लेकिन इसमें आपको ये करना चाहिए कि राइट द फार्मूला। पहला काम ये कर लें, हमेशा फार्मूला लिखें। तो लेबर टर्नओवर का फार्मूला होता है नंबर ऑफ स्टाफ लीविंग डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ स्टाफ या टोटल नंबर ऑफ स्टाफ टाइम्स 100। ये आपने लिखा, फिर उसमें सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, वहां से देखें कि लेबर टर्नओवर कितना है उसका, कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, और फिर राइट द आंसर विद परसेंटेज या जो भी रेलिवेंट वैल्यू है। तो ये 3 काम हम करेंगे तो फिर हमें हमारे मार्क्स जो हैं वो पूरे मिल जाएंगे। अगला सवाल भी 3 नंबर का होता है। एक्सप्लेन वन मेथड ऑफ रिड्यूसिंग एफएम्स लेबर टर्नओवर। तो इसमें हम क्या करेंगे के लेबर टर्नओवर जो है उसकी पहले डेफिनेशन दे देंगे, नंबर ऑफ स्टाफ लीविंग बिजनेस एवरी ईयर, फिर हम लिखेंगे कि वो अपना लेबर टर्नओवर कैसे रिड्यूस कर सकता है। वन मेथड, मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँगा वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकता है। अच्छा, अब ये इस बात को लिखने का सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, बाकी 2 नंबर हमें मिलेंगे कि जो वो केस स्टडी से रिलेट करेंगे। जैसा कि हम कहेंगे के आउट ऑफ दी एम्प्लॉय ऑल एम्प्लॉयज लिविंग 3 आर दोज एम्प्लॉयज दैट आर अनहैप्पी एट वर्क और दे गेट हायर पे फ्रॉम दी कंपेटिटर्स इफ ही प्रोवाइड्स दी वर्कर्स विद हैप्पी एनवायरमेंट एंड हायर पे एट वर्क, तो एम्प्लॉयज माइट फील मोर मोटिवेटेड एंड दे वॉन्ट लीव द बिजनेस। तो ये जो मैंने केस स्टडी से रिलेट किया इसके मुझे रेस्ट ऑफ द 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी अगेन 1+2 है, ये जो 3 मार्क्स हैं, एक नंबर हमें नॉलेज का मिलता है और 2 नंबर हमें एप्लीकेशन के मिलते हैं जो कि हमने केस स्टडी से रिलेट करके लिखना होता है। ये जो अगला सवाल है हमारे पास, एनालाइज 2 इम्पैक्ट्स ऑन एफएम्स कॉस्ट इफ इट एंटर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो अब ये 8 नंबर का सवाल है, तो आपने याद रखना है कि इसमें 2 ही इम्पैक्ट्स लिखने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं लिखने, और उन्हीं 2 को हमने एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इम्पैक्ट लिखेंगे। अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होता है तो हमने पता चला कि अच्छा उसकी कॉस्ट पे इम्पैक्ट ये आएगा कि उसकी मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर उसी को एक्सप्लेन करेंगे और केस स्टडी से रिलेट करेंगे। दूसरा इम्पैक्ट हमने लिखा कॉस्ट के ऊपर कि अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होता है तो वहाँ की लीगल फीस और इस तरह की चीज़ें उसको देनी पड़ सकती हैं, तो 1 टाइम कॉस्ट पे उसकी बढ़ सकती है। तो ये 2 इम्पैक्ट्स हमने लिखे और केस स्टडी से रिलेट किया उनको और फिर उनको एक्सप्लेन किया, तो हमें 8 नंबर मिलेंगे। 3 सेपरेट पैराग्राफ्स इसमें आपको बना देने चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड को इंटरनेशनल मार्केट्स को डिफाइन कर देना चाहिए एक पैराग्राफ में, उसके बाद फिर आपको एक इम्पैक्ट लिखना चाहिए और दूसरा इम्पैक्ट लिखना चाहिए। इसमें जो मार्क्स स्कीम फॉलो होती है दैट इज 2+2+4। इसका मतलब है 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन यानी केस स्टडी से रिलेट करने के मार्क्स, और जो
4 मार्क्स हैं वो एनालिसिस के, जो हम एनालिसिस करते हैं और उसको डेवलप करते हैं, जो हम चेन ऑफ आर्गुमेंट्स बनाते हैं। सही है, तो ये हमें इसके हमें 4 मार्क्स मिलते हैं एनालिसिस के। अगला जो सवाल है हमारे पास वो है 12 नंबर का सवाल। इसकी जो मार्क्स स्कीम है हमारे पास वो है 2 + 2 + 2 + 6। इसमें 2 मार्क्स फॉर नॉलेज हैं, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन हैं, 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस हैं और 6 मार्क्स फॉर द इवेल्यूएशन है। अच्छा, अब इसमें हमने इवेल्यूएट द इम्पैक्ट ऑन FF स्टेकहोल्डर ऑफ चेंज फ्रॉम बैच प्रोडक्शन टू मैस कस्टमाइजेशन। एक तो हमने नॉलेज शो करना है अपना कि हमें बहुत डिटेल से पता है बैच प्रोडक्शन के बारे में भी और मैस कस्टमाइजेशन के बारे में। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम बैच प्रोडक्शन और मैस कस्टमाइजेशन में से दोनों की डेफिनेशन शुरू में ही दे दें और फिर अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। हम किसी एक को शुरू में डिफाइन कर सकते हैं और फिर जब मैस कस्टमाइजेशन की बात करें तो उसको भी हम अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सवाल हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ये इसका एक सवाल हमारे पास आंसर है, वो हम देख लेते हैं। समय जरा इवेल्यूशन का थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि वो कैसे हम लिखते हैं, तो उस पर जरा फिर हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। लेट्स सी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसका एक आंसर और देखते हैं कि वेदर हम वी कैन अटेम्प्ट हम उसको कैसे लिखा है हमने। तो हमने यहाँ पे लिखा, ये हमारे सामने उसी वाले सवाल का आंसर, स्टेक होल्डर्स आर द पीपल हु आर डायरेक्ट इंटरेस्टेड इन द बिजनेस एंड अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बिजनेस। ओके, ये हमने स्टेक होल्डर्स को डिफाइन कर दिया। फिर हमने लिखा द फर्स्ट स्टेक होल्डर दैट विल बी इम्पैक्टेड आर द शेयर होल्डर्स। ये हमने एक स्टेटमेंट दे दी, फिर हम स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे। मैं ज़रा इसका कलर थोड़ा सा और डार्क कर लूँ, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं है, थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। अच्छा जी, एज FM इज गोना शिफ्ट टू मैस कस्टमाइजेशन, अ न्यू मशीनरी विल बी नीडेड एंड दिस विल रेज द मनी कैपिटल मे बी टेकन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो उसको पैसे चाहिए होंगे, जाहिर वो शेयर होल्डर से लेगा। दे कैन बिकम एंड इन्वेस्ट इन FM एज इन द मैस कस्टमाइजेशन, द गिटार्स एंड कीबोर्ड्स हमने एप्लीकेशन की कैन बी चार्ज फॉर प्रीमियम प्राइस एंड द रेवेन्यू ऑफ FM में राइज। उसने कहा जी स्टेक होल्डर पैसे लगाएंगे, लेकिन अगर वो पैसे लगाएंगे तो उसका रिजल्ट ये भी निकलेगा कि वो हाई प्राइस भी तो चार्ज कर सकेगा, और हमें पता है मैस कस्टमाइजेशन में हाई प्राइस चार्ज होती है। थोड़ा सा मैस कस्टमाइजेशन का और नॉलेज यूज कर सकते थे, बट नॉट बैड। मोर रेवेन्यू मीन्स मोर प्रॉफिट एंड इवेंचुअली दिस विल रिजल्ट इन हायर डिविडेंड रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। तो ये हमने इसकी डेवलपमेंट कर दी अपने पॉइंट की। हाउएवर मैस कस्टमाइजेशन डज नॉट गारंटी हाई सेल्स। ये हमने साथ ही उसकी इवेल्युएशन भी करनी होती है, वो हमने कर दी। हमें पता है मैस कस्टमाइजेशन में वही कस्टमर्स आएंगे जिनको प्रोडक्ट्स हमसे चाहिए होंगी स्पेसिफिकली अपने डिजाइन वगैरह के मुताबिक। प्रीमियम प्राइस कैन बी चार्ज्ड बट देयर इज नो गारंटी दैट द कीबोर्ड एंड गिटार्स विल सेल। तो ये हमने एक इवेल्यूएटिव पॉइंट लिख दिया जिसमें हमने कहा कि भाई प्रीमियम प्राइस तो हम चार्ज कर सकते हैं लेकिन सेल्स हमारी कम हो जाएंगी। दो इम्पैक्ट्स हमने लिखने होते हैं लाजमी तौर पर इस सवाल में भी, 12 नंबर में भी। दूसरा हमने लिखा था सेकेंड इम्पैक्ट कैन बी ऑन एम्प्लॉयज, एज मैस कस्टमाइजेशन ऑपरेट्स मशीनरी द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नीड मे रिड्यूस। राइट नाउ FM हैज 108 एम्प्लॉयज, ये हमने एप्लीकेशन कर दी, बट इन फ्यूचर FM मे ओनली नीड 60 एम्प्लॉयज, दिस विल रिड्यूस जॉब सिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉयज। मोर ओवर द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज एक्सपेंसिव, ये भी हमने लिखा, एंड द बिजनेस मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड सैलरी ऑफ 108 एम्प्लॉयज एंड कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी टूगेदर। हमें पता है मैस कस्टमाइजेशन की काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। सो इट मे रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सो लो जॉब सिक्योरिटी मीन दैट द एम्प्लॉयज मे गेट डीमोटिवेटेड एंड दे ऑलरेडी अंडर प्रेशर ड्यू टू द चेंज इन प्रोडक्शन। और फिर उसका रिजल्ट निकलेगा कि वो छोड़ जाएंगे, क्वालिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो दो इम्पैक्ट्स हमने लिख दिए दो शेयर होल्डर्स के ऊपर, एक स्टेक होल्डर, एक शेयर होल्डर पे लिख दिया और एक स्टेक होल्डर पे। लेकिन दोनों की वैल्यूएशन उसके साथ ही करनी होती है, जैसे हमने पहले की तो इसकी हमने लिखी। हाउएवर द न्यू मशीनरी मे रिक्वायर लेबर टू ऑपरेट एंड द बिजनेस मे नॉट नीड टू फायर एनीवन।
लेकिन हो सकता है वो नई मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए सेटल हो जाए तो उन्हीं को रखना पड़ जाए। फर्दर मोर एज वी नो द एफएम सेल्स हैज इंक्रीज्ड बाय 45%, ये हमने यहाँ भी एप्लीकेशन कर दी। इन लास्ट 2 ईयर्स इट मे हैव इनफ रेवेन्यू टू पे 108 एम्प्लॉयज, यहाँ भी एप्लीकेशन कर दी, तो ये सही हो गया। इन कंक्लूजन द इम्पैक्ट ऑन द स्टेक होल्डर्स डिपेंड ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ देम। अब हमने फाइनल इवेल्यूएशन देनी होती है जो हमने दी। इन कंक्लूजन द इम्पैक्ट ऑन द शेयर होल्डर्स डिपेंड ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेदर दे आर प्राइमरी स्टेक होल्डर्स और वेदर दे आर सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। हमने कहा कि इम्पैक्ट बता डिपेंड करता है कि कौन कितना बिजनेस में इन्वॉल्व है। मोस्ट लाइकली द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स लाइक द स्टेक होल्डर्स एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स आर द मोस्ट लाइकली टू गेट अ ग्रेटर इम्पैक्ट। इसके साथ हमें ये भी लिखना चाहिए था कि ये डिपेंड करता है कि बैच प्रोडक्शन में जो एम्प्लॉयज हैं उनका स्किल लेवल क्या है और मैस कस्टमाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं उनका स्किल लेवल क्या है रिक्वायर्ड होगा। और ये भी डिपेंड करता है कि बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट लॉज को फॉलो करेगा या एम्प्लॉयज़ को बस निकाल देगा, क्योंकि गवर्नमेंट यूजली अलाउ नहीं करती एम्प्लॉयज़ को फायर करना। तो ये हम इसमें लिख सकते थे, बट दिस इज जनरली हाउ वी अटेम्प्ट अ 12 मार्क्स क्वेश्चन जो कि मैंने आपको दिखाया।